नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं नज़र आज की हेडलाइंस पर। भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े की जमानत याचिका खारिज। कोरोना को लेकर भारत में भी बड़ी चिंता, दिल्ली में कई तरह की रोक लगी। मध्य प्रदेश विधानसभा फ्लोर टेस्ट टला। इसराइल में बेनी गैंट्स के नेतृत्व में नई सरकार, अरब पार्टियों ने दिया समर्थन। नाइजीरिया के लागोस में तेल पाइपलाइन के पास विस्फोट से 17 लोगों की मौत। तो आइए अपनी पहली खबर पे विस्तार से बात करते हैं। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने नवलखा और तेलतुंबड़े को सरेंडर करने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया है। दूसरी खबर है कोरोना से जुड़ी भी। कोरोना को लेकर भारत में भी चिंता बढ़ती जा रही है। देश भर में तमाम स्कूल पहले से ही बंद थे और शिक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अब राजधानी में 31 मार्च तक 50 से अधिक लोग जहां इकट्ठा हों ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जिम नाइट क्लब भी बंद कर दिए गए हैं। उड़ीसा में सोमवार को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई। राज्य सरकार ने भुवनेश्वर और कटक में 31 मार्च तक सभी शॉपिंग मॉल बंद कर देने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने श्रीनगर के सभी पार्क और उद्यानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ ने श्रद्धालुओं के बीच भोज का वितरण रोक दिया है। राज्यसभा में भी आज इस पर चिंता जताई गई और संसद सत्र जल्दी स्थगित करने की मांग की गई। उच्चतम न्यायालय ने वकीलों, याचिकाकर्ताओं, पत्रकारों की थर्मल जांच की बात हुई। साथ ही जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने और उनमें सुविधाओं का सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के एहतियाती उपायों के बारे में और दिशा निर्देश जारी करेगा। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक ईरान से 53 भारतीयों का चौथा जत्था सोमवार को भारत पहुंचा। अभी तक कुल 389 भारतीयों को ईरान से भारत लाया जा चुका है। गौरतलब है कि ईरान से सोमवार को 230 से अधिक भारतीयों को का तीसरा जत्था नई दिल्ली पहुंचा था, जिन्हें जैसलमेर के भारतीय सेना स्वास्थ्य केंद्र में पृथक रखा गया है। जयशंकर ने ट्वीट किया, 53 भारतीयों का चौथा जत्था ईरान के तेहरान और शिराज से आ गया है। इसके साथ ही कुल 389 भारतीय अभी तक ईरान से भारत आ चुके हैं। ईरान में भारतीय दल और ईरानी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करता हूं। अधिकारियों ने बताया कि ये भारतीय महान एयर के विमान में देर रात करीब 3 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे। इसके बाद उन्हें एयर इंडिया के विमान से जैसलमेर स्थित भारतीय सेना स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ईरान से 58 भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पिछले मंगलवार को लाया गया था और 44 भारतीय तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था शुक्रवार को यहाँ पहुँचा था। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में ईरान भी शामिल है और सरकार वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। ईरान में 700 से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है और करीब 14,000 मामले सामने आए हैं। जयशंकर ने पिछले सप्ताह राज्यसभा में कहा था कि सरकार ईरान और इटली में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने पर ध्यान दे रही है, क्योंकि ये दोनों देश विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार का इस पर क्या कहना है। राजस्थान के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों का इलाज किया। उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 या 3 बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों का समावेश किया। कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने आपके स्क्रीन पर लोपोनोवीर और रिटोनोवीर ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इनका आमतौर पर इस्तेमाल एड्स के इलाज के दूसरे दौर में होता है। इनका इस्तेमाल मलेरिया और स्वाइन फ्लू के इलाज में ली जाने वाली दवाओं के साथ हुआ। नतीजा यह है कि यह दावा किया जा रहा है कि जो पेशेंट्स जिनमें 2 इतालवी थे, 69 वर्षीय महिला और 70 वर्षीय पुरुष, इन दोनों का इलाज हो गया है और दोनों खतरे से बाहर हैं। न्यूज क्लिक में
हमने बात की डॉक्टर सुधीर भंडारी से, जो कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं। और मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि इन्होंने जो अलग अलग बीमारियों के ड्रग्स या दवाइयों का इस्तेमाल किया, इसके पीछे दरअसल सोच क्या थी। मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट द ड्रग्स, यू शुड टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल। बिकॉज क्या होता है, इससे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्प्रेड होती है। इट इज जस्ट ए बिगनिंग ऑफ अवर एक्सपीरियंस दैट व्हेनेवर ए पेशेंट केम टू अस, अवर इंटेंशन वाज टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, टू ट्रीट द पेशेंट। और अगर हम इस वायरल ट्रॉमा और वायरल रेप्लिकेशन को कंट्रोल कर पाए, सो इसीलिए व्हेन पेशेंट केम टू अस, वी हैव वन ऑफ द इन कंट्रीज बेस्ट टर्शियरी केयर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड विद द बेस्ट ऑफ टैलेंट। सो वी मेड ए स्ट्रेटजी टू गिव ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, वी गिव ए स्ट्रेटजी टू गिव द मेडिकल ट्रीटमेंट एज पर द कल्चर, और उसको हम देने का स्ट्रेटजी बनाया। और फिर हमने सोचा कि वायरस की ग्रोथ को बढ़ाने के कम करने के लिए और वायरस के नंबर को कम करने के लिए हमें कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी यूज करना चाहिए। एंड हमने लिटरेचर चेक किया कि दिस कोरोना वायरस एक तरह का जो पहले आ चुका था सार्स और मर्स, जो कि मिडल ईस्ट वायरल डिजीज है, उसी तरह का है। सो हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स को चूज किया। इवन एंटी मलेरियल ड्रग्स भी 10 ट्रायल्स चल रही है, जिसमें वायरस की ग्रोथ को और वायरस की प्रोटीन से अटैचमेंट को ब्लॉक करना प्रूव हुआ है। और ऑसिल्टावेर एक ऐसी ड्रग है जो हम ऑलरेडी स्वाइन फ्लू में यूज कर रहे थे। नाउ बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल कि हम इन ड्रग्स को 2 हफ्ते तक यूज करें, पेशेंट को उसके बारे में एक्सप्लेन करके कंसेंट ले लें, और क्लोजली मॉनिटर हमने इस ड्रग को किया। लकीली कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। आपको बताएं, ये एंटीवायरल ड्रग्स इतनी सेफ है कि प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती है। तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया जो कि एज पर लिटरेचर था कि जो सार्स है, मर्स है और कोरोना, जो एक ही ग्रुप के वायरसेस है, इनके वायरसेस के नंबर ग्रोथ को ये ड्रग्स कम करती है। तो इट इज ए जस्ट बिगनिंग, ये बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ हमारा ऑब्जर्वेशन है। बट आप देखिए हाउ लकी वी आर, अलॉन्ग विद द बेस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑफ सुपरविजन और बेस्ट ऑफ एंटी वायरल ड्रग्स, हमारे पहले तीनों पेशेंट कोरोना नेगेटिव हो गए। और उसमें नंबर 2 और नंबर 3 पेशेंट तो सीनियर सिटीजन थे, वो 69 ईयर्स और 85 ईयर्स के थे। एक पेशेंट के तो लंग की डिजीज है, दूसरे पेशेंट में किडनी खराब है। तो जब सीनियर सिटीजन होते हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, तो उसमें रिस्क बहुत अधिक रहती है। बट हमने प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स किया, और प्रोबेबली वी आर वेरी लकी कि आज ही वो दोनों पेशेंट भी, फर्स्ट पेशेंट के अलावा, कोरोना नेगेटिव हो गए। So I think it is a good beginning. We have shared with ICMR, they approved our हमारे protocol को उन्होंने approve किया है, and I'm sure our fraternity से जब हम share करेंगे, so ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो राजस्थान का ये hospital रास्ता दिखा रहा है। मैंने बात की राजस्थान के additional chief secretary रोहित कुमार सिंह से। उनसे ये पूछना बहुत जरूरी है कि देखिए भारत के जो हालात हैं ना, वो इटली स्पेन से अलग हैं, क्योंकि भारत में हमारी जनसंख्या बेतहाशा है, हमारे यहां गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए जो इलाज इस वक्त जयपुर में दिया जा रहा है, क्या वो देश का गरीब व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है? क्या कहा रोहित कुमार सिंह ने, आप खुद सुनिए। मेरे ख्याल लगभग 1600-1700 रुपए में इसके 50 गोलियों का वो आता है पैकेट, तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। पर ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उनको एक फाइनल इस बारे में कॉल लेना होगा कि क्या इसको हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हमें भी एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं रोहित जी, कि ये एक तरह से इसका इलाज है, या अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा? जो ICMR के सहयोग से पब्लिश स्टडी है, जो मैंने भी पढ़ी कल, उसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में कोरोना वायरस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट टू मेक इट वाइड, मतलब पब्लिक को वाइडली ये अवेलेबल हो, उसके पहले हमें कुछ जो सरकार के रेगुलेशन के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत दूर नहीं है उसके, इस ट्रीटमेंट की लाइन को पब्लिक में ले जाने के। अगर केंद्रीय संस्थाएं थोड़ा इस पर त्वरित गति से एक्शन लें, तो मेरे ख्याल से ये किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर, जो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विधानसभा का सत्र आज सोमवार को बड़े नाटकीय ढंग से शुरू हुआ और स्थगित भी हो गया।
सत्र राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण से शुरू हुआ। इस बीच विपक्ष ने आपत्ति जताई और राज्यपाल अभिभाषण पूरा किए बिना सदन से एक मिनट में ही चले गए। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। समझा जा रहा है कि कोरोना के खतरे की वजह से सत्र स्थगित किया गया है। इसी के मद्देनजर बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी आज ही समाप्त हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को राज्यपाल लालजी टंडन को एक पत्र लिखकर कहा कि कर्नाटक में बंदी के रूप में रखे गए विधायकों की अनुपस्थिति में सदन में शक्ति परीक्षण संभव नहीं है। इस घटनाक्रम के बीच सदन स्थगित होने से सरकार पर मंडराया खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 31 मार्च से पहले बजट पास करना ज़रूरी है। अगर कमलनाथ सरकार इसमें नाकाम रहती है तो सरकार गिर सकती है। आज राज्यपाल को सदन में अपना अभिभाषण पढ़ते हुए एक ही मिनट हुआ था कि भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल ऐसी सरकार का अभिभाषण पढ़ रहे हैं जो अल्पमत में है। हालांकि राज्यपाल ने बाद में विधायकों से अपील की कि वह नियमों का पालन करें और शांति से काम लें। उन्होंने विधायकों से लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने और संवैधानिक परंपराओं का पालन करने का आग्रह भी किया। इस अपील के बाद राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के साथ सदन से बाहर निकल गए। राज्यपाल के जाने के बाद सदन में नारेबाजी हुई और बहुत हंगामा हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही व्यापक जनहित में 26 मार्च तक स्थगित कर दी। हालिया खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने कमलनाथ को कल यानी 17 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट करने का आग्रह किया है, वरना माना जाएगा कि सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर के तरफ। ये येस बैंक के संकट से जुड़ी है। येस बैंक का संकट काफ़ी बड़ा हो चुका है और आम जनता इससे बहुत परेशान है। इतिहास के पन्ने के इस अंक में हम नज़र डाल रहे हैं कि हाल ही में हुए येस बैंक के संकट पर और भारतीय बैंक सेक्टर के इतिहास पर इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का देश के बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ा, देखिए वरिष्ठ लेखक नीलांजन के साथ। बैंक फेलियर्स का भारत में लंबा इतिहास है। मुख्य तौर पर बैंक फेलियर्स का कारण रेकलेसली ऋण का वितरण होता है। शुरू के दिनों में ऋण दिए जाते थे या तो पर्सनल सिक्योरिटी पर या फिर नॉन परफॉर्मिंग प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स के अगेंस्ट। स्वाभाविक था, बहुत लेनदार पैसे लौटा नहीं पाते थे। जब डिफॉल्टर्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती थी और टोटल आउटस्टैंडिंग्स एक्सेसिव हो जाते थे, तब बैंक कोलैप्स या फेल हो जाता था। 2017 में भारत में देश की पहली मेजर बैंक फेलियर की सेस्क्वी सेंटेनियल या 150वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था। उस बैंक का नाम था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। इस बैंक को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 में लॉन्च किया था और ये 20 साल से ज्यादा समय तक यानी 1860 के दशक तक स्टेबल और प्रॉफिटेबल रहा। 1857 के भारतीय स्वाधीनता की पहली लड़ाई के बाद इस बैंक के बुरे दिन शुरू हो गए। बॉम्बे कॉटन मार्केट पर ओवर रिलायंस मुख्य गलती थी। कपास बाजार के एक्सपेंशन की वजह से अनेक नए बैंक शुरू किए गए, कंपटीशन बढ़ गया। आमदनी का मुख्य स्रोत चूंकि ऋण वितरण था, इस वजह से प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे के ओनर्स ने ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर दिया। अचानक से भारतीय कॉटन मार्केट में जो उत्साह था, पैनिक में तब्दील हो गया। जिन कंपनियों ने लोन्स लिए थे अब लौटाने की स्थिति में नहीं थे। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे जो 25 साल से ज्यादा प्रॉफिटेबली चल रहा था, 1867 में बंद हो गया और मेजर बैंक फेलियर्स का सिलसिला शुरू हो गया। भारत के कई विख्यात आर्थिक इतिहासकारों के मुताबिक प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे का कोलैप्स और 2018 की पंजाब नेशनल बैंक स्कैम की कहानी
कोई ज्यादा अंतर नहीं थी इन दोनों के बीच में। यह वही स्कैंडल था जिसमें पीएनबी ने 11,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किए थे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनके साथियों को। 1867 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे का फेलियर के पहले भी भारत में बैंकों को लेकर प्रॉब्लम्स देखने को मिला था। 18वीं शताब्दी के शुरुआत के दशकों में कई बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कलकत्ता में शुरू हुए थे। उस समय यह शहर उद्योग का केंद्र था। वही समस्याएं, ज्यादा लायबिलिटीज और फ्रॉडुलेंट एंट्रीज। जब पूछा गया तो बैंकर्स ने क्राइसिस का मुख्य कारण अनलिमिटेड लायबिलिटी बताया। ब्रिटिश सरकार ने 1861 में लायबिलिटी रेगुलेट करने का कोशिश किया। इसके बावजूद प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे फेल कर गया, मतलब रेगुलेशन फूल प्रूफ नहीं था। बैंकिंग सेक्टर में एक नया दौर 1905 के बाद देखने को मिला। यह वही वक्त था जब स्वदेशी आंदोलन ने भारत में नया राजनीतिक जोश उत्पन्न किया। बहुत सारे स्वदेशी बैंकों को एस्टैब्लिश किया गया, स्वदेशी बिजनेसेस को फंडिंग मिलने लगा। 1913 तक 450 से अधिक बैंकिंग कंपनीज का गठन हो गया था। वही हुआ जो इस अनरेगुलेटेड और कट थ्रोट इंडस्ट्री में हो सकता था। कई बैंक्स फेल कर गए। प्रमुख बैंक्स इनमें इंडियन स्पीशी बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया शामिल थे। इंडियन स्पीशी बैंक का कोलैप्स का कारण टिपिकल था। इस बैंक ने एक प्रसिद्ध मोती व्यापारी को बहुत ज्यादा लोन दे दिया। जब उसका बिजनेस ठप हो गया तो बैंक के बाहर भी ताला लग गया। उस समय के एनालिस्ट्स ने टिप्पणी की थी कि अगर बैंक के मैनेजमेंट ने अपने बैलेंस शीट को पहले से रिलीज किया होता तो फ्रॉड का अंदेशा मिल जाता। अभी भी जब भी कोई बैंक घोटाला का पता चलता है, विश्लेषक इसी बात को दोहराते हैं। हमारी पांचवी खबर है सेंट्रल विस्टा के से जुड़ी हुई। सेंट्रल विस्टा पर आधारित हमारी श्रृंखला की इस कड़ी में टिकेंद्र सिंह पवार समाजशास्त्री अमिता बाविस्कर के साथ खास चर्चा कर रहे हैं। उनके मुताबिक मोदी सरकार की यह सोच कि सार्वजनिक स्थल सरकार की ही संपत्ति है, यह सरासर गलत है। दिल्ली में एक कायाकल्प हो रहा है, जैसा हमारे बिमल पटेल जी कह रहे हैं। और कायाकल्प का मतलब यह है कि नया पार्लियामेंट बनेगा, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक खाली होंगे, और जितनी ओपन स्पेस हम देख रहे हैं इस वक्त, जिसको सेंट्रल विस्ता कहा जाता है, जो पार्लियामेंट से शुरू होकर और पूरा राजपथ को निकलकर और ये पूरा आगे तक जो जाता है, इसमें नई इमारतें आएंगी। जितनी ओपन स्पेस है, ये बताया जा रहा है इन ओपन स्पेसेस को सरकार लेगी, और सरकार कह रही है हम भी ओपन स्पेस के मालिक हैं, जनता उसकी मालिक नहीं है। सोल ऑफ द सिटी है वो, कैसे प्रभावित हो रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर? ये ना एक तरह से देखा जाए तो शहर की खासियत क्या है, शहर की जान उसकी जनता है। और जिस जगह पे जनता इकट्ठी हो सकती है, हमने पहली बार सुना कि पिछली बार तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, रेड सैंडस्टोन और ये सब चीज़ें, तो आपने कहा कि जनता उसकी जान है। हाँ नहीं, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पूरा जो इलाका है, ये प्रेसिडेंट्स हाउस, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, ये अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे पूरा जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका जो उसका ठाट है, वो उसकी शान जनता के सामने प्रदर्शित हो। लेकिन उस वक्त भी उनके दिमाग में दो चीज़ें बहुत अहम थी। एक था कि इस एरिया की इकोलॉजी, कि ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी ठीक का बहाव अच्छा है, और दूसरा था कि पैसे बचाने की उनकी आदत, कि खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का जो है खर्चा, वो अगर पहले जैसे उत्तर दिल्ली में तो बनाने का सोच रहे थे, में भी लैंड एक्विजिशन बड़ा सवाल था लोगों से। उन्हें मालूम था कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन यहाँ नॉर्थ दिल्ली में बहुत एक पेचीदा मुद्दा होता और बहुत महंगा पड़ता, और यहाँ की जो रायसीना की जमीन थी, रायसीना गांव की जमीन थी, वो कहीं सस्ती थी। तो दोनों ये गाँव बेसिकली ये यहाँ पे गाँव था, ये गाँव की जमीन थी पूरी। तो ये पूरा इलाका जो है, उन्होंने बहुत सोच समझ के, पूरे आर्थिक दृष्टि से भी और फिर पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी, इकोलॉजी और इकोनॉमी, सोच समझ के इसे वो उन्होंने
इसका चयन किया था, लेकिन साथ ही साथ ये जो जगह है उन्होंने इस तरह से बनाई है जहाँ कि उनके पूरे साम्राज्य का गौरव जो है प्रदर्शित हो। अब हमारी सरकार, अभी की सरकार ये कर रही है कि ना उन्हें इकोनॉमी की कोई समझ है या उसकी परवाह है, ना ही इकोलॉजी की, बस वो भी उसी तरह से एक जो साम्राज्यवादी अपनी शान दिखाना चाहते हैं उसके पीछे ही इस जगह को हिंदुस्तानी साम्राज्यवादी शान, हिंदू राष्ट्र की का साम्राज्य दिखाना चाहते हैं। ये आपने एक नई बात बोली, इस पर थोड़ा और जिक्र करना चाहेंगे। ओके, या प्लीज। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब जो हो रहा है इसमें ना दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग हैं जोड़ी जा रही हैं कि सरकार और जनता, और ये जो इलाका है, ये पूरा क्षेत्र जो आज़ादी के बाद लोगों ने अपना बनाया है, क्योंकि जब अंग्रेज़ छोड़ गए भारत तो ये पूरी जगह जो है यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, बोट क्लब लॉन पे कितनी बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन जुलूस निकले हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने अपनी बात रखने आते थे। अब धीरे धीरे वो जो प्रदर्शन का जो एक के लिए जो एक जगह मिली थी वो छूट गई है, लेकिन अभी भी ये जो इलाका है यहाँ पे लोग हर शाम को सैर करने के लिए आते हैं, खासकर जो पुरानी दिल्ली के लोग हैं जहाँ पे एकदम मतलब 2 स्क्वायर फुट आसमान दिखने को नहीं मिलता, हरियाली बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये जगह जो है एक, अगर हम थोड़ा आगे तक चलें तो हम शायद उस जगह को भी देख सकते हैं यहाँ से एक ब्रॉडर लेंस लगाकर, और हम जब शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम इस तरफ खड़े होते हैं तो अगर हम दिखा सकें, क्योंकि जो आप बात कह रहे हो कि ओपन स्पेसेस की, हाँ। शायद थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें इसको, हाँ। तो ये शायद बहुत ही ओपन स्पेस है, अगर आप दिखा सकते हैं, आप अमिता इस तरफ आ जाएं, हाँ। इस तरफ, हाँ। और अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो शायद ये हमें साफ नज़र आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं इसकी, हाँ। और तो ये मतलब कितना लंबा स्ट्रेच है जो कि ओपन स्पेस की हम बात कर रहे हैं, हाँ। जी जी। अब इनका कहना है कि अभी जो ये यहाँ पे पूरा बदलाव होगा उसमें कह रहे हैं कि ये जो एक स्ट्रिप है ये बच जाएगी, लेकिन हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी इस तरफ अगर आप देखें ये जो पुलिस बैरिकेड हैं ये सब इस तरह से जहाँ जहाँ सरकारी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर उन्होंने लोगों का आना जाना बंद कर दिया है, पीछे भी जो वॉर मेमोरियल है वहाँ से भी इंडिया गेट के पीछे का इलाका लोगों के लिए अब बंद है, तो धीरे धीरे लोगों के लिए जहाँ जो इकट्ठा होने के एंजॉय करने के लिए जो जगह है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। अब बढ़ते हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। जो पहली खबर है वो इसराइल से है। सेंटरिस्ट ब्लू एंड वाइट पार्टी के नेता बेनी गेंट्स को रविवार 15 मार्च को इसराइली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसराइल में 2 मार्च को चुनाव हुए थे जो एक साल से भी कम अवधि में हुआ तीसरा चुनाव था। इस चुनाव में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। गेंट्स को इसराइल की संसद केंसेट के 61 सदस्यों का समर्थन है और उनके सिफारिश पत्र प्राप्त हैं। इसके उलट वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 58 सदस्यों का समर्थन है। अरब पार्टियों की जॉइंट लिस्ट के पास 15 सीटें हैं, वो देश की 21% अरब आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसने गेंट्स की ब्लू एंड वाइट पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया है जिसके पास अभी कैनेसेट में 33 सीटें हैं। गेंट्स को अविगडोर लेबरमैन की पार्टी का भी समर्थन मिला है। 3 वामपंथी दलों में से 2 लेबर और मेरिट्स ने प्रधानमंत्री के लिए गेंट्स के नाम का समर्थन किया है, जबकि गेशर पार्टी ने किसी का समर्थन ना करने का निर्णय लिया है। जॉइंट लिस्ट के नेता एमान ओदा ने पहले ही कह दिया था कि वो सिर्फ गेंट्स का समर्थन करेंगे और ऐसे किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें नेतन्याहू हैं। यदि अरब पार्टियां सरकार में शामिल हो जाती हैं तो ऐसा इसराइल के 70 साल के इतिहास में पहली बार होगा। हमारी आखिरी खबर नाइजीरिया से है। नाइजीरिया के लागोस के पास अबुले आदो क्षेत्र में रविवार 15 मार्च को तड़के एक ऑयल पाइपलाइन के पास विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि 15 किलोमीटर दूर मौजूद घरों में भी इसका असर महसूस किया गया। इस विस्फोट के कारण लगभग 50 घर जल गए और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए।
नाइजीरियन नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन या NNPC ने एक बयान जारी किया जिसके अनुसार ये विस्फोट एक ट्रक द्वारा पाइपलाइन के पास स्थित गैस स्टेशन में टक्कर के कारण हुआ जिससे वहां आग लग गई। इस बीच ह्यूमन राइट्स राइटर्स एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया ने समय पर और कुशलता के साथ ऐसी आपदाओं से निपटने में विफलता के लिए सरकारी एजेंसियों की आलोचना की है। जोखिम के बावजूद पाइपलाइन के पास आवासीय और अन्य भवनों के निर्माण की अनुमति देने के लिए इसने सरकार को दोषी ठहराया। इस तरह का विस्फोट देश में नियमित रूप से होने वाली घटना है। इस तरह की घटनाओं में मरने वाले ज़्यादातर गरीब होते हैं जो नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर में पाइपलाइन के पास रहने के लिए मजबूर हैं। इस साल 18 जनवरी को तेल पाइपलाइन में इसी तरह के विस्फोट से लागोस के पास कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ क्लिक। शुक्रिया।